वेलकम टू PSP शॉप। ये हमारे पास एक्सबॉक्स 360 अल्ट्रा स्लिम मॉडल है, तो इसमें रेड रिंग ऑफ डेथ है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये रेड लाइट पे चला जाता है कुछ देर बाद। तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और फिर हम आपको फिक्स करने का तरीका बताएंगे कि ये किस एरर पे है, इसमें रेड लाइट किस वजह से आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं। रेड लाइट इसमें आ रही है, हम इसका अब एरर चेक करेंगे। 0023 सबसे पहले हम ये कैपेसिटर बाज का वैल्यू ठीक देता है और ये डैमेज हुआ होता है, तो सबसे पहले हम इसको चेंज करके चेक कर लेते हैं। 0023 इस कैपेसिटर का एरर होता है, अगर इससे रिसोल्व हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा कि इसमें और क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम इसको रिप्लेस करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्लियर हुआ कि नहीं। ये हमने कैपेसिटर उतार दिए, ये 2.5 वोल्ट का, तो हम एक 2.5 वोल्ट का हमने एक और कैपेसिटर लिया। आप किसी भी एक्सबॉक्स से ये 2.5 वोल्ट का, ये 2.5 वोल्ट के लगे हुए हैं और ये 2.5 वोल्ट का लगा हुआ, किसी भी मदरबोर्ड से आप 2.5 वोल्ट का कहीं से भी उतार के तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये वैसे ये पड़ा हुआ था अपने पास, तो हम ये लगा के चेक कर लेते हैं। हमारा कैपेसिटर रिप्लेस हो गया, अब हम इसको चेक करते हैं। ये हमारा ओल्ड कैपेसिटर, ये पावर लगी, HDMI लगी,
हम फ्रंट पैनल लगाते हैं। पहले जब हम फोन करते थे तो फौरन रेडलाइट आ जाती थी। नहीं जी, ये हमारा रिंग घूम गया। ये रेड लाइट इसलिए फ्लैश कर रही है कि हमने हीट सिंक इसके ऊपर नहीं लगाया है। हम हीट सिंक भी लगा लेते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कैपेसिटर का फॉल्ट था। ज़्यादातर 99% जो है 2.5 वोल्ट का, ये 0023 में ये एरर का प्रॉब्लम आता है। तो ये हमने रिप्लेस किया और ये सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।